हेलो फ्रेंड्स, अपना अंगूठा यहाँ पर चिपकाएं, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। अभी रात के 10 बज रहे हैं और एक हफ्ता नहीं हुआ है कि सारी सब्जियां खत्म हो चुकी है। एंड सुबह बस मैंने आज सब्जी बनाई थी जो आपको मैंने शेयर करी है, देसी चिकन। ये हाई भी कर रहे हैं और इसको शर्म भी आ रही है। और आज मुझे लगा चलो एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीटली फ्री रहें, कैमरा ना पकड़े। तो पूरा दिन मैंने आज कुछ किया नहीं, शूट नहीं किया कुछ भी। ऑल दो देवर सो मेनी एक्टिविटीज बट मैंने कुछ शूट नहीं किया। और चलो आज कंप्लीट रेस्ट देते हैं। अभी दिन खत्म होने को आया, 10 बज चुके हैं। सब्जी लेने जा रहे थे, मैंने बोला चलो अभी इसे दोबारा शुरू कर लेते हैं व्लॉगिंग करके। एंड एक और चीज ये है कि कुछ लोग कुछ लोग इतना जलते हैं कि क्या बताऊं। मैं कंटिन्यूसली 3-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ। मैं जहाँ पे अपनी कार रखती हूँ, वहाँ पे रोज कोई जो है मेरी कार के ऊपर जो खाए हुए चावल होते हैं वो डाल रहा है, या तो कुछ भी टिश्यू पेपर्स, चावल और टिफिन आइटम्स जो बड़े होते हैं ना, राउंड वाले, वो बड़े, वो मतलब जान पूछ के कार को गंदा कर रहे। कौन कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो लोग डेफिनेटली मेरे अपार्टमेंट में से ही हैं। कुछ लोग जो है लाइफस्टाइल देख के चलते हैं ऐसे। अभी आप देख सकते हैं कि नेगेटिविटी तो हर जगह है। अभी आप ऑनलाइन नहीं कह सकते, हर जगह है जहाँ पे आप रहते हैं, चारों तरफ भी रहती है। बल्कि मैं यहाँ पे बस अपने काम में रहती हूँ, मैं कभी किसी के घर भी नहीं जाती। जब कोई इन्वाइट करता है तभी जाती हूँ। तो जो ये काम कर रहा है वो हमारे अपार्टमेंट में से ही है, और ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे। मुझे श्योर नहीं है, मतलब डाउट है कुछ लोगों पे जो जल फूक जाते हैं देख के, वीडियोस देख देख के जलन उनकी जो है बढ़ी जा रही है। क्यों बढ़े जा रही है पता नहीं, भगवान ने जिसको जितना दिया है उतने में खुश रहना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो नेगेटिविटी करते हैं, जब तक मेरे पास कोई नेगेटिविटी फैलाने आएगा मैं शांत रहती हूँ। लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली 3-4 दिन से तो हो ही रहा था। कल तो पता नहीं क्या कार के ऊपर कोई गीला सा ऐसा कपड़ा डाल रखा है, कुछ बहुत चीजें मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। क्या नाम है, साइड में एक दिन जो है कुछ मरी हुई वो छिपकली थी, गिरकिट था, वो भी ऐसा लग रहा था कि मार के जानबूझ के वहां डाला हुआ है। तो समटाइम्स यू नो थोड़ा डर भी लगता है ऐसी चीजें देख के। तो मैं अभी ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी है, वो जो वीडियो देख भी रहा होगा मेरे अपार्टमेंट का ही है, वो तो मुझे श्योर है। क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हमारे जो पौधे हैं वो भी किसी ने चुराए हैं। तो मुझे लगता है कि जिसने पौधे चुराए थे एंड जानबूझ के सारे पौधे उखाड़ दिए, मतलब इतना कोई बेदर्द कैसे हो सकता है, आई डोंट अंडरस्टैंड।
सारे पौधों को मार दिया। हम यहाँ पे संदेश पहुंचाते हैं कि ग्रीनरी बढ़ाओ, लेकिन वो बेवकूफ जो है ग्रीनरी घटा के ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो मैं अभी ये बता रही हूँ, अगर वो मुझे पता लग गया तो मैं उसको ऐसा सूतूंगी ना, ऐसा मारूंगी चप्पलों से कि उसको जो है जिंदगी में कभी उल्टे काम करना क्या होता है वो भी भूल जाएगा वो। और लड़की है या लड़का, जेंट है कि लेडी है, वो भी मुझे नहीं पता है। तो ये वार्निंग है उनको, वीडियो देख रहे हो, अगर हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में समझ जाओ, अगर नहीं समझ में आती है तो मैं तेलुगु में भी इस वीडियो को पोस्ट करूंगी, ताकि तेलुगु अगर समझ में आती है तो वो भी समझ में आ जाए। बट मेरा पारा जो है उसकी वजह से बहुत गर्म हो गया, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली आज सुबह से भी क्योंकि कार कल परसों भी बुरी तरह कार गंदी हो रखी थी, इतना चावल पड़ा है खिड़की पे, सब जगह पे चावल पड़ा है। तो कल मैं आदित्य को स्कूल से पिकअप करने के लिए गई थी, इतनी जोर से बारिश आई कि जो भी गंदा हुआ था भगवान ने वो साफ कर दिया, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो जो अच्छे काम करते हैं ऑटोमेटिक उनके साथ तो अच्छा ही होता है, उनको लगा होगा कि हम गंदी करेंगे तो इनको सफाई करनी पड़ेगी, ये सब सोचा होगा। एंड अभी दोबारा उन्होंने गंदा किया है। तो मैं सुबह से वॉच कर रही थी, बार बार ज्यादा के देख रही थी, एक तो हमारा घर इस साइड है तो पीछे रखती हूँ मैं कार, हमारे घर के ऑपोजिट के पीछे साइड। तो मैंने सुबह से लेके दोपहर तक खाना लंच के बाद भी चेक किया, लेकिन तब तक गंदा नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले खाना खाने से पहले, हम लोग डिनर करने से पहले फिर से मैंने चेक किया तो उसके ऊपर चावल थे। तो जब भी मैं स्विमिंग जा रही हूँ, स्विमिंग के टाइम को वो लोग शायद वॉच करके उसके ऊपर मेरे जाने से पहले जो है गंदा करे। कौन ऐसे नीच काम करता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट सीरियसली बता रही हूँ, अगर मिल गया ना तो ऐसा सूद दूंगी ना, पता लग जाएगा कि क्या है। सीरियसली बहुत गुस्सा आता है जब ऐसे लोग इतने चीप काम करते हैं। आप बताओ कि आप क्या करते हैं ऐसे, क्योंकि अगर मैं इस चीज को ऐसे नेग्लेक्ट करूं तो ये काफी करीबन एक हफ्ते से जो है, उससे पहले भी गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो कार ऐसी ओपन में रखी हुई है तो गंदी हो रही होगी, क्योंकि हम थोड़ी सोचेंगे यार कभी हमने ऐसे इतने गंदे थॉट तो हमारे दिमाग में नहीं आए कि किसी का भैया कार पे कुछ गंदा गंदा डाल दो, छिपकली मार के डाल दो, नहीं तो चावल डाल दो, पके हुए चावल जो होते हैं वो डाल दो, कभी जो लोग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं वो डाल रहे हैं, वड़े डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, तो किसी के दिमाग में तो आएगा नहीं। जब ये अभी बढ़ गया बहुत बुरी तरह, एंड अगर कोई भी कहीं से भी फेंक रहा है तो वो कार के ऊपर तो डायरेक्टली टारगेट करके गिरेगा नहीं, कोई जान पूछ के आके उसके ऊपर फुल डाल के जा रहा है तो वो साफ पता लग रहा है। एंड इस वजह से अगर मुझे पता लग गया, या तो वो बंद कर दे अभी बच जाएगा वो, अगर नहीं बंद किया तो क्या हाल होगा वो, उसका तो मुझे भी नहीं मालूम है। मेरे को पता लग जाए तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं उसको। तो वो थी चीज, फिलहाल अभी सब्जी खरीद लेते कूल डाउन होके, एंड उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों से। सो सब्जी हमने खरीद चुकी है और वापस भी आ चुके हैं हम लोग, इधर हम पड़गुन भी हरी यहाँ पे पत्ते वाली सब्जी है, उस बैग में पूरे सॉलिड है। एंड ये दोनों भी सो गए, अभी इन दोनों को उठाना है साथ में। अभी मेरे हस्बैंड जो है निकाल रहे हैं सामान। चलो भैया